Hello everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. So the champion that we are going to be meeting right now has represented India for IBO and won a silver medal. He's NTSC Stage 1 qualified and in KVPY 2021, he stood at rank 74. And there's much more to his story than this. So let's welcome Amritansh onto the stage with a huge round of applause. Amritansh, welcome and many congratulations. How are you feeling right now after scoring this well? I'm feeling amazing. It's been a childhood dream aur itna acha perform karke you feel really great, of course. So when did you join Akash, in which class, and how was your experience? I started in class 9th for the foundation course and 9th-10th mein mainly hamara focus rehta hai ki NTSC ke liye clear karein. तो एनटीएससी में फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर तो हुआ था लेकिन उस टाइम मेरा टारगेट यही था कि नहीं मुझे अभी से नीट के लिए ही बकअप करना है तो वहाँ से कि मैंने ही वहीं से स्टार्ट कर दिया 11th 12th का पढ़ना एंड बिसाइड्स जो टीचर्स थे उनसे मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट भी लेता था सो दे वर वेरी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो. हाउ डिड यू प्लान ऑन अटेम्प्टिंग योर फाइनल एग्जाम? एग्जाम का मैंने जो लास्ट के मंथ में जो स्ट्रैटेजी डेवलप की थी दैट वॉज स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री बिकॉज आई हैड एनालाइज कि कभी बायो मुश्किल आ जाती नीट में कभी फिजिक्स मुश्किल आ जाती है केमिस्ट्री इज़ द सेफ जोन सो आई कैन स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड गो टू द आइदर ऑफ द सब्जेक्ट सो दिस टाइम आई अटेम्प्टेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड देन फिजिक्स. टॉकिंग अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन एंड यू नो अटेम्प्टिंग द एग्जाम वी हैव सम फ्यूचर चैंपियंस हियर विद अस कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. या so they have some doubts and questions to ask you ke hum log kaise attempt kare aapne kaise taiyari kari thi because obviously excitement hoti hai when they see someone from their institute only you know getting these amazing marks obviously they look up to you and they have some questions to ask so let's open the room for them. Yeah sure. NEET mein pure 2 saal ka syllabus aata hai 11th 12th aur 3 subjects hain itne sare chapters hain itne sare details hain to हर एक चीज़ को हर एक माइन्यूट डिटेल को लास्ट तक कैसे कैरी ऑन करना है? देखो पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ याद है हर डिटेल का स्ट्रेस लेके नहीं हो पाएगा एंड तक और असली बात यह है कि हम एस्पिरेंट्स जो हैं हम एक फोमो के चक्कर में ज़्यादा एनालाइज भी कर लेते हैं कभी कभी अपने सिलेबस को लेकिन एंड में इतना नहीं आता है हमें ब्रॉडली पता होनी चाहिए प्लस जो एनसीईआरटी है उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसका आइडिया हो उतना ही काफ़ी है ना हर डिटेल को इतना बोझ नहीं बनाना है उसका एंड अगर ऐसा है कुछ तो तुम्हें फील होता है कि हाँ मुझे याद होना चाहिए ज़रूरी है पता नहीं क्या आ जाए क्योंकि ऐसा हो सकता है नो डाउट तो उसके लिए अपने फ्रेंड्स को यूज़ करो दो तीन चैप्टर सेलेक्ट कर लो आपस में वो लाइन्स पढ़ेंगे और उससे जो भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसे बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को स्टोर करके रखो उसमें जितनी खुराफात कर सकते हो क्वेश्चन में कर लो क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ना सो जो कर सकते हो एनसीईआरटी की लाइंस लो जितना उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो अपने फ्रेंड्स को यूज़ करो अकेले काम करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड सबके साथ होगा डिस्कशन भी होगा नई चीज़ें और इमर्ज होंगी उससे याद हो जाएगा. I want to add to this question के इतने सारे chapters होते हैं इतने सारे subjects होते हैं which was the subject that you found the most difficult and which topics or how did you overcome them? Initially पता नहीं क्यों chemistry boring लगती थी क्योंकि bio में एक amazing वो रहती है amazing feeling रहती है कि हाँ life में इतनी complexity है और physics में एक अलग complexity दिखाई देती है chemistry कहीं बीच में फंस जाती है तो लेकिन नहीं एंड में आते आते आई वॉज फीलिंग न्यूट्रल अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट्स कि हाँ अब तो नीट ही देना है तो हाँ जितना सीखा है ज़्यादा बायसनेस नहीं दिखाते सब्जेक्ट को सबको साथ में लेके चलते हैं सो एंड द टॉपिक्स स्पेशली ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सबका फियर रहता है कि इतना याद करना पड़ेगा उसमें कहीं से क्या पूछ लें लेकिन एंड में आते आते हो जाती है क्योंकि बिकॉज वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम टॉपिक्स सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर वर अ फ्यू टॉपिक्स
स्पेशली इन बॉटनी जो काफ़ी याद करने पड़ते थे लाइक एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी. इवन द लास्ट डे बिफोर द एग्जाम वो मुझे पढ़ के जाने पड़े थे क्योंकि उसका डर रहता है कि उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है पता नहीं क्या आ जाए. एंड इन जूलॉजी जूलॉजी में इतना कुछ था नहीं बिकॉज जूलॉजी की तरफ अगेन थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा था तो वो उसमें ज़्यादा डर लगता नहीं था. एंड सो मेनली मेरा यही था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फ्यू टॉपिक्स ऑफ बॉटनी. सो ये जो दिक्कतें आई आपको यू ओवरकम देम यू नो. पर कहते हैं कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो सिर्फ बच्चा ही नहीं तैयारी करता, पूरी उसकी फैमिली, पूरे उसके टीचर्स तैयारी कर रहे होते हैं. पेपर देने जाते हो सिर्फ बच्चा नहीं जाता, पूरी उसकी फैमिली, पूरे उसके टीचर्स जाते हैं. सो वी हैव योर मॉम फ्रॉम योर फैमिली दैट वी वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन द स्टेज. कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज मैम? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम. अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने इतना अच्छा स्कोर किया है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. आपने अमृतांश के साथ कैसे मैनेज किया इस टाइम पे व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम? अमृतांश का ही मेन तो हार्डवर्क उसी का है, बट ये है कि एज अ पेरेंट्स हमने हमेशा अमृतांश को सपोर्ट किया, मोटिवेट किया. कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो उतने टफ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अप्स डाउन्स आते हैं बच्चे के उसमें, कभी बच्चे थोड़ा डिप्रेस भी फील करते हैं. तो उसको हमेशा बोला कि पॉजिटिव रहना है हर मतलब हर स्टेप पे आपको पॉजिटिव रहना है, अपना बेस्ट करना है और बेस्ट करके बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है. मैंने तो हमेशा इसको यही बोला कि बेटा अपना बेस्ट करो और बाकी सब वो करेगा, उस पे छोड़ दो. और ये कभी पीछे नहीं हटा मेहनत करने से, इसने कभी गिव अप नहीं किया. ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी. इसकी थोड़ी कंडीशंस भी ऐसी आई जो फेवरेबल नहीं थी, टफ थी थोड़ी, थोड़ा इश्यूज थे मेडिकल के भी आए बीच में. ओके. इसने लेकिन उसमें भी ठीक है, हम लोगों का सपोर्ट था एज ए पेरेंट. आकाश की फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया उस बीच में हमारा, इसको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करी ऑनलाइन, मतलब इसने थोड़े दिन क्लासेस करी, सब कुछ हुआ. बट इसने खुद भी कभी गिव अप नहीं किया उस कंडीशन में भी. आई मस्ट से दैट पॉजिटिविटी दैट ही हैज गॉट हैज कम फ्रॉम यू, आई कैन जस्ट सेंस इट कि मतलब यू हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट इट इज इन हिम आल्सो. और आपके फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स रहेंगी कि इन इन चीज़ों का वो ज़रूर ध्यान रखे? लाइक इफ आई वुड से कि पॉइंट्स उनको नोट डाउन करने के, दिस इज हाउ, दिस इज हाउ, तो व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड गिव टू द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स? मेनली तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गिव अप नहीं करना क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, अब 100 चैप्टर्स हैं, सो दैट इज इमेंस. जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, जो नीट के पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस, हमें उन सब की एनालिसिस करनी है. इफ पॉसिबल हमें ये भी करना चाहिए कि ट्वेल्थ में हम दिन के बस 15 मिनट दे के इलेवेंथ का कोई एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लें जो हमें सबसे अनश्योर लगता था इलेवेंथ में, हम उसको 15 मिनट्स 30 मिनट्स भी देंगे तो एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आएगा. बिकॉज ब्रेन को एक रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए होता है वो चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए. तो यही टिप्स देना चाहूंगा. कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन एंड इमेंस हार्ड वर्क इज व्हाट मेक्स यू अ चैंपियन ऑफ आकाश. कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ चैंपियन ऑफ आकाश अमृतांश, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट दीज अमेजिंग टिप्स एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस. इट हैज बीन अ ग्रेट सेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.